मेरे लिए तो बिछी बिछाई खाट पर लोटियां चाह गए हैं। टिकट तो मेरी थी पार्टी की तरफ से, मैं सब सीनियर कार्यकर्ता था पार्टी का, जिसको कह रखा था मेरी ये टिकट काट दी बता मैं उसके नारे लांदा कुकरांडू। दोस्तों नमस्कार, फिलहाल गांव डाटा केंद्र में मौजूद हूं और डाटा की अगर बात करें तो भाई डाटा गांव को नालंदा हल्के की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र पॉइंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो यहां से अगर अच्छे तरीके से चुनाव में मजबूत हो जाता है तो नालंदा हल्के के अंदर आज तक वो जीत कर निकला है। उमेश सिंह लोहाना जो है किसान रथ के ऊपर सवार होकर के यहाँ जो है बहुत बड़ा काफिला लेकर के, आपको काफिला देखा होगा, गांव डाटा के अंदर एंट्री कर रहे हैं और टाइम लगभग 10 बज चुके हैं, तो आपकी बातचीत में करवा देता हूँ। प्रधान जी नमस्कार। नमस्ते। और मानेंगे? ठीक है जी। आप बताओ, इतना बड़ा ट्रैक्टर काफिला लेके चलो किसान आंदोलन में गए थे, चार्ज फिर डाटन चल पड़े, तो किसान आंदोलन भी डाटन जीता था और यू इलेक्शन भी डाटा ही जीतेगा। अगर बात करूं आज इतना समर्थन जो आपने मिला है डाटा गांव का, और डाटा गांव हमेशा अगर राजनीति नालंदा की राजनीति की बात की जाओ तो लगभग यहां से डाटा और मसूदपुर से राजनीति शुरू होती है, रोगी खाप के गांव है, आज इतना प्यार मिलन लग रहा है तो कहां मान रहे हो अपने आप को अब आगे की? बाबा लाल दास का आशीर्वाद और डाटा मसूदपुर का आशीर्वाद, इतना उत्साह से, इतनी ताकत से, इतना आप कल्पना भी नहीं कर सकूंगा मैं अगर भाई इस तरह इतना समर्थन मिलेगा। आज ये लग रहा है कि भाई लोक दल डाटा गांव ने दोबारा जिंदा कर दिया इस क्षेत्र में। दादा गौतम की अगर बात करूं, दादा गौतम ने एक कल स्पीच दिया उड़ा कट्ठे करके, बोले मैंने उम्मीद लुहान पर भाई समर्थन मांगे था मेरा दिया कुनी नानूंद गांव का तो मैं भी हूँ, इस तरह के भाषण दिए और कैप्टन ने मैंने कहते अपील करी। मेरे लिए तो बिछी बिछाई खाट पर लोटियां चाह गए हैं। टिकट तो मेरी थी पार्टी की तरफ से, मैं सब सीनियर कार्यकर्ता था पार्टी का, जिसको कह रखा था मेरी ये टिकट काट दी बता मैं उसके नारे लांदा कुकरांडू। आप बताओ। बिल्कुल। तो भाई बहुत बड़ा काफिला जो है उमेद सिंह लोहानी यहाँ से लेकर के निकल चुके हैं और गांव डाटा के अंदर जो है इनका अब इतना लेट कार्यक्रम है तो अब तो तूफानी दौरे शुरू करे, इतने लेट हो गए चुनाव का तो टाइम भी बहुत, अगर कैंपेनिंग की बात करूँ बहुत लंबा टाइम पड़ा है। बस लोग प्यार समर्थन मिलता रहो, हम तो सारी रात भी हंडे जाएंगे। अच्छा, कोई चिंता नहीं। तो भाई अगर बात करूं मैं डाटा गांव की, फिलहाल डाटा गांव की तस्वीरें मेरे साथ देख पा रहे हैं तो आपको क्या लगता है नानू नलके का ये गांव डाटा का काफिला देखकर, उमेद सिंह लोहान का ये काफिला देखकर आप अपनी राय जरूर रखें तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताते रहें। दादा राम राम। राम राम भाई। ऊपर इतना बड़ा काफिला ले रहे हो गांव देख के मोहल्ला का है। डाटा में उत्साह बढ़ा रही है डाटा तो। अच्छा, 90% उमेद लोहान का। क्या खासियत सही जी इसमें 90% लगी दिख रहा है? बढ़िया ईमानदार आदमी, काम करने वाला आदमी है, बढ़िया भाई। गांव तो जिता के काट दोगे? गांव तो जिता ही है, 90% गांव एक साइड में बच जाएगा। चलो तो भाई ट्रैक्टरों का काफिला तस्वीरें देख सकते हैं आप, गांव डाटा की जो है बाइकों का काफिला, रोगी खाप के गांव डाटा की तस्वीरें हैं जो है काफिला, काफिले के साथ में ट्रैक्टर और बाइक का बहुत बड़ा काफिला गांव डाटा की तस्वीरें फिलहाल देख पा रहे हैं यहाँ पे। पूरा काफिला मैं आपको दिखाने का काम करूँगा, लगातार आप जुड़े रहें। ये देखिए उमेद सिंह लोहान किसान रथ यानी ट्रैक्टर के ऊपर सवार होकर के जो है उमेद सिंह लोहान आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे, देख सकते तस्वीरों के माध्यम से आप।